वहीं राजधानी लखनऊ के शेरपुर लवल गांव में पहले ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई। इस ज्ञान केंद्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर पढ़ाने वाला कोई सरकारी अध्यापक नहीं, बल्कि गांव के ही मेधावी बच्चे हैं जो इन गरीब बच्चों को ट्यूशन देकर उनकी पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस ज्ञान केंद्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों का भी इंतजाम किया गया है, जहां पर बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से गाँव में इस तरीके के ज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं, जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन मिल सकेगा। ग्रामीण बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था के लिए गांव-गांव में अब ज्ञान केंद्र खुलवाए जा रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के शेरपुर गांव में एक ऐसा पहला ज्ञान केंद्र खुला है, यहां पर इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर यहां के ग्रामीण बच्चे पढ़ेंगे और यहीं के जो मेधावी छात्र होंगे वो उनको मार्ग दिशा उनकी तय करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी कराएंगे। यहाँ पर जो शेरपुर लवल गाँव के प्रधान है उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पूरा शुरुआत की गई है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह, शेरपुर लवल से प्रधान हूँ। हमारे माननीय योगी जी की सोच थी, उसके अनुपालन में इस गांव पंचायत में ज्ञान केंद्र का निर्माण कराया गया है, जिसमें गांव के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं जिनकी संसाधनों के अभाव में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। उसी को सपने को पूरा करने के लिए गरीब बच्चों को यहाँ पर हर तरह से शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, उन्हें मार्गदर्शन करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे इस ज्ञान केंद्र पर किस तरह से जो गांव के गरीब बच्चे हैं जो कि ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनको यहां पर लगातार पढ़ाया जा रहा है। उन्हीं से बात करते हैं। बेटा, पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो आप ट्यूशन कोचिंग कैसे कर पाते हो? हम कोचिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें जब यहाँ पता चला सरकारी कोचिंग पढ़ाई फ्री कोचिंग पढ़ाई जा रही है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। बिल्कुल, बच्चों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि ये वो ग्रामीण बच्चे हैं जो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पाते पैसे के अभाव में, लेकिन इस ज्ञान केंद्र से उनको बराबर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो अध्यापक हैं जो पढ़ा रहे हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। साक्षी जी, क्या करती है आप? मैं अभी इन गरीब बच्चों को पूरी शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि सरकार की योजना है हर गांव में ज्ञान केंद्र की स्थापना करना, तो हमने भी एक ज्ञान केंद्र खोलने का प्रयास किया है। और जो बच्चे गरीबी रेखा से जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे पढ़ पाते हैं जिनके पास पैसा है, वो तो बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी कॉलेज जाके ज्वाइन करके पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये रही, जैसे कि मैंने बीटेक किया है और मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि मेरे पापा के पास पैसे थे तो हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं हैं? तो मैं अपना कुछ समय निकाल के, ऐसे मेरी भी छोटी बिटिया है, लेकिन मैं उस अपने घरेलू समय निकाल के इन बच्चों को कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देख रहे हैं जो गांव के प्रतिभाशाली बच्चे हैं या लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं और भी लोग हैं। इस ज्ञान केंद्र में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए? इस ज्ञान केंद्र में एक तो ये एक तरह से फैसिलिटेशन सेंटर है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है घर में, किसी का घर छोटा है या फिर वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाया, तो यहाँ आके वो स्वाध्याय से पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के। आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी बुक्स भी यहाँ पे रख रखी हैं, तो जो बच्चों को बुक्स की ज़रूरत होती है हम उनकी मदद करते हैं कि उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो पढ़ के वापस कर देते हैं। सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो है जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इन बच्चों को सही। बिल्कुल, हम आपको पीछे दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम वो किताबें भी लगी हुई हैं, लाइब्रेरी भी है जिससे बच्चे पढ़ सकेंगे यहाँ पर। ऐसे में देख सकते हैं कि जो सरकार की ये योजना है, जिस तरह से गांव-गांव में अब ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लखनऊ से नैनी के लिए जय शुक्ला।